हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर का वाइन प्लांट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है, इन अ वाइन फॉर्म ट्रेलिस पे लगा के और अलग अलग तरीके से कैसे मैंने लगाया हुआ है, ये आज मैं दिखाती हूँ। ये प्लांट का नाम, इस ब्यूटीफुल वाइन का नाम है अपराजिता। इसका एक और नाम है शंख पुष्पी। इसके बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसका फ्लावर का कलर एकदम डिफरेंट है। ये ब्लूइश कलर ये गार्डन में ग्रीन के अगेंस्ट बहुत प्रिटी लगता है। ये ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। ये बहुत इजी टू केयर है, बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं पूरा इसका डिटेल बताऊँगी, केयर कैसे कैसे आप लगा सकते हैं और कितने इजीली आपको मिल सकता है नर्सरी में। ये मेरे ख्याल में विद इन 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, 80, 90, 100, इस टाइप के रेंज में मिल जाएगा आपको। और ये पेरिनियल है, अपराजिता की वाइन पेरिनियल है। ये पूरे ईयर चलती है, मगर फ्लावरिंग इसकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बारिशों तक होती रहती है। और फ्लावर्स देखिए कितने प्रिटी हैं, शंख की शेप में है, तभी इनको शंख पुष्पी कहते हैं। और ये 2-3 कलर्स में आते हैं, एक वाइट कलर में भी बहुत प्रिटी लगता है, एक थोड़ा पिंकिश कलर में आता है, और इसी का डबल पेटल भी होता है और इसमें थोड़ा डार्कर कलर होता है, सिमिलर कलर में, ब्लू, रॉयल ब्लू जो ये कलर है। एक देखिए, एक ये मेरी ट्रेलिस है और एक ये है, दोनों कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। खाली स्टेम रख सकते हैं नीचे की स्टॉक, और फिर ऊपर इसके लीव्स एंड फ्लावर्स, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने ये लगाई हुई है मेरे ख्याल में 3-4 महीने की होंगी। ये मेरे घर में बहुत बड़ा एक पेड़ था ऊपर पीछे की बैकयार्ड में, उसमें सीड्स होते हैं, इसमें एक पॉड्स टाइप निकलते हैं, उसमें सीड्स होते हैं जैसे मटर के पॉड होते हैं इस टाइप से, और वो जब राइप हो जाते हैं अपने आप बर्स्ट ओपन होते हैं और उसमें से सारी सीड्स डिस्पर्स होते हैं। तो आइए मैं आपको वो सीड्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। ये सीड से भी इजिली ग्रो कर जाता है, कटिंग से भी हो जाता है, और ये नर्सरीज में ऐसे छोटे प्लांट्स के फॉर्म में मिल जाता है। ये तो मैंने अपने घर में से ही निकाल के इसके अपनी फ्रेंड के लिए ये लगाया हुआ है। ये देखिए कितने सारे हुए हुए हैं, ये प्लांट है, ये है, ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वाइन है, इसमें से निकल के ये इसकी स्टेम है। और ये देखिए कितने छोटे 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 सारे ये अपराजिता के ही पेड़ है। तो ये देखिए कितनी इजीली ये प्रोपेगेट करता है, अपने आप डिस्पर्सल होता है सीड का और अपने आप प्रोपोगेट होने लगता है। तो आइए चलिए अब इसकी केयर देखते हैं, कितनी केयर इजी है इसकी। तो इसकी केयर में देखिए, सबसे पहले मैं सनलाइट लेती हूँ इसको। ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसको थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अगर मॉर्निंग सन 3-4 घंटे की दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और अगर नहीं मिलती इसको लाइट, तो इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। और अगर इवनिंग की इसको सनलाइट मिलती है, मई, जून, जुलाई में बहुत तेज़ धूप में, तब इसको थोड़ा आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, उतनी लाइट भी इसके लिए, सनलाइट भी इनफ होगी। मगर बिना सनलाइट के इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, वेजिटेशन हो जाती है मगर फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है। और फ्लावरिंग एनहेंस करने का भी मैं बताऊंगी आगे, स्टे टिल द एंड। तो अब नेक्स्ट, इसकी सनलाइट के बाद में, अगर सनलाइट को आपने बहुत तेज़ धूप में रख दिया तो इसकी लीव सारी पीली हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी। इनफैक्ट पीली और लीव्स का तो दो कारण है, एक तो ओवर वाटरिंग इसमें और एक अंडर वाटरिंग। और ब्राउन कलर की लीव्स जब हो जाती हैं, इसके मतलब ये जल गई हैं, ये धूप, टू मच ऑफ सन है। और अगर थोड़ी बहुत येलो होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली में एजिंग ऑफ लीफ हो रही है। देखिए इसमें थोड़ी सी लीफ का कलर फ़र्क है,
और थोड़ा मेच्योर प्लांट हो जाता है तो थोड़ी नीचे की लीव्स येलो होने लगती हैं, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस। तो अगर इसकी लीव्स फोलिएज और फ्लावर्स खूब चाहिए तो इसको थोड़ी सनलाइट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट लेते हैं इसकी वाटरिंग। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। अगर इसको बहुत दिन तक ड्राई रख दिया तो इसकी लीव्स भी ड्राई हो जाती हैं और इसमें फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। तो फ्लावरिंग अगर एकदम राइट चाहिए तो इसको सॉइल मॉइस्ट रखनी चाहिए, गीली नहीं, ड्रेंच नहीं, मगर एकदम। देखिए जैसे ये है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये भुरभुरी सी है मगर थोड़ी गीली है, थोड़ी गीली है। तो इस टाइप की इसको सॉइल चाहिए, हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, हल्की हल्की, मगर वेल ड्रेन सॉइल होगी तो कभी भी वो पानी खड़ा नहीं रहेगा, नीचे से ड्रेन हो जाएगा। वेल ड्रेन सॉइल बहुत एडवांटेज होता है उसका, उसमें ओवर वाटरिंग के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। और प्लांट की रूट्स पानी में नहीं रह जाती, जिसकी वजह से मेजर रीजन है प्लांट का डाई डाउन करने का। अब नेक्स्ट लेते हैं इसके फर्टिलाइज कैसे करोगे आप। देखिए इसको फर्टिलाइज अगर आप करेंगे अच्छी तरह से, ग्रोइंग सीजन से जस्ट पहले से शुरू कर देंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फर्टिलाइज आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं 15-20 डेज में लिक्विड फॉर्म में, काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैंने आपको ये एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है जिसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना मगर बहुत इफ़ेक्टिव है, फ्लावरिंग प्लांट्स में तो स्पेशली बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र जब फ्लावरिंग सीज़न निकल जाता है देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको फ्लावरिंग एनहेंस करने के लिए वो है। तो इसके फ्लावरिंग सीजन से जस्ट पहले शुरू कर दीजिए, 15-20 डेज में एक बार डाइल्यूटेड फॉर्म में, या महीने में एक बार, कितने बार भी दे सकते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो कभी भी नुकसान नहीं करता प्लांट को, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज है कि आपकी सॉइल की क्वालिटी कभी भी नहीं खराब होगी अगर आप हमेशा ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे। मतलब सॉइल आपकी एनरिच्ड ही रहेगी, काउडंग मैन्योर है, लीफ मोल्ड है, या वर्मी कंपोस्ट है, ये सब आपके सॉइल को कभी भी खराब नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए कोशिश करें ऑर्गेनिक ही यूज करें। और नेक्स्ट फर्टिलाइजर के बाद में है इसमें, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है। इसके नेक्स्ट है इन्फेस्टेशन। देखिए इसमें कई बार इन्फेस्टेशन हो जाता है, इसकी लीफ में अगर आपने देखा कोई ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, कई लीफ में शुरू हो जाता है, तो आप थोड़ी नज़र रखिए प्लांट में। जनरली जब लीव्स में थोड़ा ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं तो उसका रीज़न है इसमें फंगल अटैक है। तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, उसके सॉल्यूशन के लिए आप उसको फंगिसाइड से स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पॉटिंग सॉइल में भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो फंगिसाइड आते हैं वो सिस्टमिक होते हैं, मतलब वो सिस्टम में चले जाते हैं, नीचे डालेंगे आप तो वो रूट्स में जाके सब जगह पहुंच जाएंगे और फंगस जो है, ये जो अटैक है उसको आपके रोक देंगे। तो ये इन्फेस्टेशन का है। और कोई और मिलीबग लगता है या कुछ लगता है तो उसको आप पानी के स्प्रे से निकाल सकते हैं, या आप थोड़ा उसमें बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सोप और थोड़ा नीम ऑयल, अगर नीम ऑयल नहीं है तो ऑर्डनरी ऑयल डाल के स्प्रे कर देंगे अगर, तो उससे भी बहुत ही बढ़िया। ये स्प्रे करेंगे उससे तो बहुत जल्दी इसकी निकल जाती है सारी, मिलेगा। इसकी फ्लावरिंग एनहेंस करने का एक और तरीका है कि जब ये फ्लावर थोड़े डाई बैक कर जाए या खिल के ख़त्म हो जाए जिसको कहते हैं,
तो डेड हेडिंग कर दीजिए। डेड हेडिंग मतलब होता है जैसे ये खिल चुका है, ये वाला प्लांट खिल चुका है तो इसको निकाल दीजिए, ये वाला खिल चुका है तो इसको ऐसे करके तोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें सीड्स नहीं बन पाएंगे। अगर सीड्स बनने लगते हैं तो ये पूरा एनर्जी अपना प्लांट जो है पूरी एनर्जी लगा देती है सीड्स बनाने में और फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो अभी आपको सीड्स चाहिए नहीं है, खाली फ्लावर्स चाहिए। तो ये जितने पॉड्स आएंगे, सीड्स आएंगे, उनको बनने ही नहीं दीजिए, तो आपके में खूब सारी फ्लावरिंग रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अपराजिता का या शंख पुष्पी का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा वीडियो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।